कभी बहला फुसला कर ऐसे अपराध हो रहे हैं। अरे अगर वो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया होती तो उसे जीने का हक है, पानी में तैरने वाली मछली होती तो उसे जीने का हक है, अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी उसे जीने का हक है। मगर वाह रे इंसान, जानवर इतना भी नहीं रहा तेरा ईमान। खैर आइए आप सबको बताते हैं भी कुछ साल बाद का दृश्य। अजी सुनते हो, बहू फिर से बैठते है। वाह, अगर इस बार भी लड़की हुई तो फिर से सफाई करा दूंगा। लड़का हो या लड़की, इस बार मैं उसे जन्म दूंगी। अरे अगर लल्ला होगा तो चार पैसे कमा कर देगा, लड़की का क्या है, पहले पेट में यहाँ तक घिसेगी, विद्यान हमारी जेब खाली कर दूसरों का घर भरेगी। अरे अंश है वो मेरा, संतान है वो मेरा, मेरा हिस्सा है वो, इस बार मैं अपराध नहीं होने दूंगी, इस पाप का मैं हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं मेरे बच्चे को जन्म दूंगी। देखा आपने, एक औरत के जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है उसके जीवन की लड़ाई। अरे जिस देश में जन्म लेके एक औरत का जीवन खुद ही इतने संकट में है, वह क्या कम सुरक्षित होगा। खैर अब आपको दिखाते हैं उस नन्हे से बच्चे के जन्म के बाद का दृश्य। सुनो जी, इस गरम जली ने लड़की को जन्म दिया। क्या लड़की, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसे, मेरा मुंह क्या देख रही हो, मिटा दो इस गरम को, फेंक दो इसे कुएं में।
Bye.